आज के वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिनको MP4 वीडियो को MP3 में बदलना नहीं आता है, कन्वर्ट करना नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूजर्स हैं जिनको MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करना बदलना नहीं आता है। अगर वो MP4 वीडियो को शूट कर लेते हैं तो वो सोचते रहते हैं कि यार काश हमको आता MP3 में इसको कन्वर्ट करना बदलना, तो हम खुद से ही बदल लेते। तो ये जो है इस बात को लेके टेंशन में रहते हैं कैसे हम MP4 वीडियो को MP3 में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियो पाइए आप रोजाना, क्योंकि मैं इस चैनल पर डे नया नया वीडियो अपलोड करते रहता हूँ और आप सबको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प होगा, क्योंकि मैं नया नया ट्रिक, नया नया ऑप्शन, नया नया चीज़ सब खोज खोज के आप लोगों के लिए मैं पर डे इस चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप MP4 वीडियो को MP3 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर में आप आएंगे, यहाँ पर आपको टाइपिंग करना है ऑडियो लैब, इस तरीके से आपको टाइपिंग करना है। यहाँ ऊपर में ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर इसका देख रहे हैं कि डाउनलोड हुआ 5 मिलियन प्लस में और यहाँ पर इसका रेटिंग देख रहे हैं 4.7 का है। तो आप इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको आपको ओपन वाले पर क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके इस साइड में आएंगे, यहाँ पर देखिए ग्रांट स्टोरेज परमिशंस है, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करते ही यहाँ परमिशन बोला अलाउ करने के लिए, आप यहाँ से अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही आपके सामने पे कुछ इस तरीके से थैंक यू का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ राइट वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कि ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ मिक्स ऑडियो कर सकते हैं, यहाँ मार्जिन ऑडियो कर सकते हैं, टेक एडिटर कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट और कंप्रेस ऑडियो कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप यहाँ से आप MP4 वीडियो को आप इसमें कन्वर्ट और कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमको वीडियो को ऑडियो में करना है तो यहाँ पर देखिए वीडियो टू ऑडियो का ऑप्शन है, आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे आइकन बना हुआ है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ गैलरी का ऑप्शन है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको वीडियो जहाँ भी है वहाँ से आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा वीडियो यहाँ पे है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे ताजा वाला पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए कि मेरा यहाँ पे वीडियो आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो है ऑडियो नाम दे सकते हैं तो यहाँ पे अपना ऑडियो नाम दे दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजा 111, इस तरीके से मैं डाल देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ अदर आउटपुट फॉर्मेट का है, तो यहाँ पर MP3, AAC, वेब और M4A, इस तरीके से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम MP4 को MP3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ MP3 वाला ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, और ऑप्शन यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन है मगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कि म्यूजिक का ऑलरेडी यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पर देख रहे कि आइकन बना हुआ है, ये आइकन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कि आपका वीडियो है MP3 में यहाँ पर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि ये कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो है आपको यहाँ पर देखिए कि आउटपुट क्रिएट हो चुका है। अब ये आपको कहाँ ढूंढ लेना है मैं आपको बैक करके बता देता हूँ। तो इसके लिए सिंपली हम बैक आते हैं। अब बैक आने के बाद सिंपली यहाँ जाएंगे टूल्स में और यहाँ पर माई फाइल्स में आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही माई फाइल्स को यहाँ पर जाना है आपको डिवाइस स्टोरेज में, और यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है कि ऑडियो लैब कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में आपको मिल जाता है ऑडियो लैब, आपको इस पर क्लिक कर देना है।
यहाँ पर देखिए वीडियो ऑडियो, इस पर आपको क्लिक कर देना। और यहाँ पर देखिए कि मैं वहाँ पर नाम डाला था राजा 111 करके, तो यहाँ पर आ चुका है और इसको आपको प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं चलिए इसको प्ले करके सुना देता हूँ। सो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बज रहा है। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा मैं इसको और सुना देता हूँ शुरू से। तो इस तरीके से मैं शुरू से जाऊँगा और यहाँ मैं प्ले करता हूँ। तो सुभाष यहाँ पर देखा है कि मैंने आपको MP4 वीडियो को MP3 में आपको ये कन्वर्ट करके दिखा दिया है किस तरीके से MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। ठीक है, बैक आने के बाद सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको दिखाया था। तो इस तरीके से मैं बैक आ जाता हूँ और फिर मैं चलता हूँ इसी ऐप पे ऑडियो लाइब्रेरी पे, और मैं यहाँ पे वीडियो टू ऑडियो वाले पे मैं क्लिक करूँगा। और मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाले में, और यहाँ से आप कोई भी और वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गैलरी को चूज करेंगे, आपका वीडियो कहाँ, जैसे मेरे बच्चा है तो यहाँ दिखा देता हूँ, ये बच्चा है तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस तरीके से। और आप इस पर क्लिक करके इसको प्ले करके, सो गाइस आपने देखा ये वीडियो है, इसको मैं MP3 में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ कुछ, तो इसे मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ बेबी, मैं बेबी में डाल दिया। ठीक, और यहाँ पे आप जो है फॉर्मेट चूज कर लीजिए MP3, और यहाँ पे जो है आप इस पे वाले पे जो है आइकन बना हुआ है कैमरा का, इस पे आपको क्लिक कर दीजिए तो ये जो है MP3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। ये फिर आपको वहीं फाइल में मिलेगा जहाँ मैं आपको दिखाया था। इसके लिए मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद सिंपली चलेंगे उसी में टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद यहाँ माय फाइल्स में चलेंगे, और यहाँ पे आपको जो है स्टोरेज में जाना है। तो यहाँ डिवाइस स्टोरेज को ओके करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है ऑडियो लैब का, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ वीडियो ऑडियो है, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं डाला था नाम बेबी, तो यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा जैसे मैं आपको वहाँ पे प्ले करके दिखाया था। तो मैं इसको प्ले वाई इस पर क्लिक करूँगा, और ये यहाँ पे आपका प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस आपने देखा कितने आसान तरीके से आप MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चाहे आपके पास कोई भी वीडियो हो, चाहे आप शूट किए हो, या आपके पास कोई MP4 वीडियो हो, गाना हो या फिल्म हो, कुछ भी आप यहां पे जो है यहां से आप उसको कन्वर्ट एंड कंप्रेस कर सकते हो MP4 को MP3 में। आप को सिर्फ प्ले स्टोर से ऑडियो लैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। बस ये जो है 17-18 MB का है, ज़्यादा का नहीं है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीका से आप इसको MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर ठोंकिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से MP4 वीडियो को MP3 में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं।